नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यूज में। जी हाँ फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल से लेकर बहुत बड़े न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ऑफिसी तौर पर न्यूज़ डिक्लेयर कर दी जो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। पीईटी पीएचटी की डेट रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसके लिए एसएससी ने फ्रेंड्स पीईटी और पीएचटी के लिए भी डेट डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ फ्रेंड, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना। जी हाँ फ्रेंड, जब आप पीईटी या पीएचटी के लिए जा रहे तो उसमें आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट देना, पूरा डिटेल बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना, क्या क्या नहीं लाना। जी हाँ फ्रेंड, चलिए मैं इसी पे बात करूँगा क्या क्या लाना फ्रेंड्स, कितने फोटो ले जाना, आपको फोटो भी ले जाना फ्रेंड, कितने फोटो ले जाना, उसकी पूरा डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया मैं आप लोगों को जल्दी दिखाने वाला, सारा डाउट क्लियर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने बजे रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग टाइम तक भी दिया हुआ। जी हाँ फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते, आपको ऑफिशियल नोटिस पढ़ के सुनाता हूँ फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, सबसे निवेदन इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके इसी तरह के अपडेट्स में लेके आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करी, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस। जी आपने सब्जेक्ट देख लीजिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल यानी जी डी इन सी ए पी एफ एन आई ए एस एस एफ एंड रिक्वायरमेंट राइफल में जी डी इन आसाम राइफल 2018। चलिए देख लेते क्या नोटिस है। द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल यानी जो एग्जामिनेशन हुआ था कांस्टेबल एस एस सी कांस्टेबल का इन सी ए पी एफ एन आई एस एफ एन एस ए एफ आसाम सॉरी फ्रेंड राइफलमैन जी डी इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018 भी डिक्लेयर बाय द कमीशन ऑन 20/6/2019। जी हाँ फ्रेंड्स, का रिजल्ट जो कि 20 जून 2019 को डिक्लेयर हो चुका है। इट इज ईयर बाई इन्फॉर्म डॉट पी ई टी यानी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट या पी एस टी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ एफोर सेट एग्जामिनेशन टेंटेटिव शेड्यूल्ड इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर। जी हाँ फ्रेंड, जिसके मान लीजिए जो सेलेक्टेड हो गए क्वालिफाइड हो गए जो फ्रेंड्स पेपर में, उन लोगों को पी ई टी के एग्जाम जो अगस्त सेप्टेम्बर में मतलब निर्धारित किया गया नहीं रखा गया। तो देख लिया आगे क्या, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल फोटो आईडी। जी अपने ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना जो कि लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, पासपोर्ट साइज फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना अलॉन्ग विथ नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज पर गिवन इन द एडमिट कार्ड। जी अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट लेके जाना जो आधार कार्ड। चलिए फिर देख लेते क्या गया है। इट इज़ देयर फॉर रिटेड दैट इफ देर इज एनी डिसिप्रेंसी noticed by the candidate in their data submitted in online application and result examination score, it may be brought to notice out to the concerned regional office of the commission at earliest but not later than 31/7/2019 along with copy of printout on the application form and the examination scorecard। जी हाँ फ्रेंड्स, की यहाँ पर एक मान लीजिए जो अपने एप्लीकेशन में जो डाटा प्रोवाइड किया था ऑनलाइन भरते समय, उसमें डाटा में आपको कोई गलती या कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप लोग अपने नियरेस्ट जो कमीशन ऑफिस है वहाँ पर जाकर उसको करेक्ट करवा लेते बिफोर 31/7 यानी 31 जुलाई 2019 से पहले आप लोग करेक्शन करवाना है फ्रेंड, था उसके बाद नहीं होगी। चलिए और देख लेते हैं। हाउएवर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी डाटा फील्ड रॉन्गली बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म लाइकली कैटेगरी, जैसे फ्रेंड्स आप लोग जैसे मान लीजिए क्या मिस्टेक किए देखिए, लाइकली कैटेगरी जेंडर में अगर मिस्टेक किए, डोमिसाइल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द कमीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग नाम में मिस्टेक किया तो उसमें चल जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग जेंडर में मिस्टेक किया, डोमिसाइल अपने स्टेट में मिस्टेक किया, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने अगर मिस्टेक किया तो फ्रेंड्स देखिए विल नॉट बी एंटरटेन यानी कमीशन द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब कमीशन द्वारा करेक्ट नहीं किया जाएगा ये मिस्टेक को। बाकी इसके अलावा और कोई मिस्टेक तो उसके मतलब कमीशन उस पर विचार करेगी या करेक्शन कर भी सकती है। पीईटी पीएचटी बोर्ड विल बी एंटरटेन एनी सब्जेक्ट फॉर द चेंज इन डाटा, जो पीईटी या पीएचटी बोर्ड फ्रेंड वो भी एंटरटेन नहीं करेंगे इसमें कोई भी चेंज इन डाटा के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग को अंडर सेक्रेटरी 24 तारीख यानी कल की डेट में नोटिस आया 24/7/2019 की डेट में फ्रेंड्स। बस यही है फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है फ्रेंड्स, आप लोग को ओरिजिनल आईडी लेके जाना, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाना, कलर साइज फोटो ग्राफ आपको लेके जाना फ्रेंड्स, आप लोग को जो है टीईटी और पीएचटी का डेट दिया गया है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।